दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 28 मई का दिन है। समय की बात करें तो लगभग 8:20 हो रहे हैं। आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। आज फिर से एक बार हर की पैड़ी के अच्छे से दर्शन करेंगे और यात्रा के बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो की शुरुआत हमने गंगा जी के दर्शन के साथ की है। आपके सामने गंगा जी की लहरें हैं, आप पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं और सभी लोग लिखेंगे कमेंट में जय गंगे माता। आज एक बार फिर से जल का बहाव देख सकते हैं, कितना तेज नज़र आ रहा है। जल का बहाव ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आप इन लहरों को देखकर समझ सकते हैं और उसके साथ साथ जल में रेत की मात्रा भी आपको अच्छी खासी नज़र आ रही होगी। तो अभी हम मुख्य घाट की ओर ले चलेंगे और वहाँ से दर्शन कराएंगे। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल में लगातार हरिद्वार की वीडियो आती है, दर्शन भी होते हैं और यात्रा की सभी अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है। ये भागीरथी सेतु इस समय देख रहे हैं आप लोग। अब मैं नाई घाट के दूसरी तरफ आ चुका हूं, जहां पर बड़ी धारा है और यहां के भी सुंदर दृश्य आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सभी लोग कमेंट में जय गंगे माता ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करें, सभी को दर्शन कराएं। अब मैं आपको लेकर आगे की ओर चलता हूँ, नाई घाट के पास दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद ब्रह्मकुंड घाट, घंटाघर घाट, सभी घाटों के दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए, नाई घाट के पास एक बार फिर से गंगा जी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सावधानी से ही स्नान करना है। प्रतिदिन आपसे कहते हैं कि सावधानी से स्नान करें, लापरवाही नहीं करनी है। रेलिंग के बाहर जाकर स्नान करने की कोशिश कभी नहीं करें। अब मैं आपको मनसा देवी मंदिर दिखाऊंगा। नाई घाट के सामने से मनसा देवी मंदिर बहुत अच्छे से नज़र आता है। ये देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर मनसा देवी मंदिर, दर्शन कर लीजिए। सभी लोग जय माता दी, जय मनसा देवी लिखेंगे कमेंट में सभी लोग। कैसा लग रहा है आज की वीडियो? अच्छी लग रही होगी ना। सुबह सुबह पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन हरिद्वार से हो रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप जून के महीने में या आगे आने वाले महीनों में चार धाम यात्रा करना चाहते हैं और चार धाम यात्रा का पैकेज लेना चाहते हैं, टेंशन फ्री होकर आप यात्रा करना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सीधे अपना बैग उठाएं और चार धाम यात्रा पर निकल जाएं, तो आपको हम एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, ये अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल्स का है जो पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा करा रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है और सारी व्यवस्थाएँ ये खुद करा कर देंगे, आपको चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करा कर देंगे। तो अगर आप लोग जून के महीने में या आगे आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं और पैकेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश चार धाम यात्रा से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आप हमें मैसेज करें, मैं आपको सभी जानकारी दूंगा। अब मैं आपको घंटाघर घाट की ओर लेकर चलता हूँ और फिर वहीं से ब्रह्मकुंड घाट के भी दर्शन कराएंगे। देखिए कितना जल का बहाव बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है कि जो मेन धारा है जो चंडी पुल के पास से निकलती है, चंडी घाट से होकर निकलती है, उस धारा में बहुत कम जल कर दिया गया है और सारा जल जो है इसी धारा में आ रहा है। यही एक कारण होता है, उस वाली धारा में जो मेन धारा है वहाँ जल कम कर दिया जाता है
और सारा जल इस तरफ मुझे लग रहा है भेजा गया है। तभी ये कई दिनों से लगातार जल हमें ज़्यादा ही दिख रहा है हर की पैड़ी में। अब हम आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर लेकर चलते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, अच्छा लगेगा। कमेंट में सभी लोग जय गंगे माता लिखेंगे, सभी लोग लिखिए। ये है घंटाघर घाट। इस तरफ जो ये घाट नजर आ रहा है ये घंटाघर घाट है, और इस तरफ है ब्रह्मकुंड घाट। ये जो घाट है ये है ब्रह्मकुंड घाट। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे, कल के दिन मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में एक बहुत ही खास मंदिर की वीडियो हमने अपलोड की है। बहुत ही खास मंदिर है वो, उत्तर भारत में कह सकते हैं मेरी जानकारी के अनुसार वो पहला मंदिर है जो भगवान शिव के बड़े बेटे स्वामी मतलब कार्तिकेय महाराज जी को समर्पित है पूरा मंदिर। और वो मंदिर उत्तराखंड में पड़ता है, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन में वो मंदिर है, सच में बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ से नज़र आते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का टाइटल है कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। रास्ता पूरा हमने दिखाया है, पूरी जानकारी दी है, और उसके साथ साथ वहाँ पर 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी है। और जो वहाँ के व्यू हैं वो तो बहुत ही शानदार व्यू हैं, बहुत कम जगह पर ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं। मंदिर जो है एक अलग ही पहाड़ी में है, टॉप पे पहाड़ पे स्थित है, तो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आपको मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में जाना है और कल के दिन की जो वीडियो है वो देख सकते हैं आप। घंटाघर घाट में मैं मौजूद हूँ मैं इस समय। अब हम आपको मालवी घाट और महिला घाट की ओर लेकर चलते हैं। श्रद्धालु की संख्या जो है काफी है, लेकिन कल को देखते हुए आज थोड़ी कम नजर आ रही है। कल मैं सेम टाइम पर आया था तो कल इससे ज्यादा श्रद्धालु नजर आ रहे थे। कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे कि हरिद्वार में गर्मी कितनी पड़ रही है, कितनी पड़ रही है इसको डिस्क्राइब कर पाना सही नहीं होगा। हम आपको टेम्परेचर बताना चाहेंगे। हरिद्वार में गर्मी लगभग 41 डिग्री 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो अब 41 और 42 जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि दिन के समय में 2-3 बजे मैक्सिमम 42 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सुबह शाम ठीक है लेकिन दिन में हालत ख़राब हो जा रही है। ये है मालवी घाट। मालवी घाट भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। सामने है महिला घाट। अब मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं। यहां पर बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं, और जब भी हम यहाँ की वीडियो बनाते हैं तो कुछ दृश्य यहाँ के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टंट करते हुए 2-4 लोग हमेशा नज़र आते हैं, ऐसा आप लोग कभी ट्राई ना करें।
बहुत खतरे वाला ये रिस्क है, खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। आप हरिद्वार आए हैं, पवित्र जल है, आराम से स्नान करें। तो दोस्तों ये है 28 मई की वीडियो, जिसमें आप सभी ने हरिद्वार के हर की पैड़ी से माँ गंगे के दर्शन किए। यात्रा की कुछ जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है, और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।